ये आज बाबा साहब का 132वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मन रहा है और राष्ट्रीय समता पार्टी रासपा ने जो है प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष रामबचन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग भी बाबा साहब की जयंती को बड़े ही धूमधाम मन और लगन से मना रहे हैं। आज के दिन मैं यही कहना चाहता हूं कि याद कीजिए वो दिन जब देश के कई लाख लोगों को आज़ादी के बाद जुटाकर जब अंग्रेज यहां से जा रहे थे तो अंग्रेजों के द्वारा जो देश में संविधान था वो हिटलर शाही की संविधान था। अब उस संविधान से निजात पाने के लिए लाखों लोगों को देश भर से जुटाया गया और देश भर से जुटाने के बाद सबसे पूछा गया कि यह संविधान कैसे बनेगा कि हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ेगा और इस संविधान के तहत सब कुछ आएंगी। उस लाखों लोगों में मात्र 300 लोगों को ही नियुक्ति की गई जो संविधान को लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और देश के लोगों के हित में यह संविधान बनेगा। और 300 लोगों में एक आदमी को अध्यक्ष बनाया गया कि यही आदमी होंगे बाबा साहब, जो पूरी देखरेख में, इन्हीं के देखरेख में यह संविधान को पारित किया जाएगा और बनाया जाएगा। और कई लाख कानून बनाने के बाद इसकी स्क्रूटनी करते 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 देश को चलाने भर का कानून बनाया गया और उस पर बाबा साहब ने पढ़कर और उस पर सिग्नेचर किया और संविधान को देश के सामने समर्पित किया। अब यह सोचने वाली बात है कि उस जमाने में आज से 75 साल पहले शिक्षा की क्या व्यवस्था रही होगी और उस समय बाबा साहब जैसे आदमी इतने शिक्षित रहे और कानून के जानकार रहे तब इन्होंने संविधान को बनाया जिस संविधान पर यह देश चल रहा है। तो मेरी पार्टी और मैं और मेरे पार्टी के सभी सदस्य इसी मिशन को लेकर चल रहे हैं कि शिक्षित रहोगे, शिक्षित बनोगे तभी बाबा साहब की तरह आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा अशिक्षित रहोगे तो तुमको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, जयंती मनाना तो दूर की बात है। आज बाबा साहब की जयंती आज हम लोग जो मना रहे हैं वो शिक्षा ही ऐसी चीज़ थी बाबा साहब के अंदर जिसके वजह से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। और बाबा साहब ने संविधान को अपने 299 लोगों के साथ मिलकर और संविधान को इस तरह से लिखवाया कि आज देश में रहने वाले 135 करोड़ जनता अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही है और स्वेच्छा से सब बात अपनी रख रही है। तो इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर, बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो बाबा साहब की तरह शेर की तरह चिल्लाएगा, अन्यथा बिना शिक्षा के कोई काम नहीं हो सकता। आज जो जयंती मनाई जा रही है यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्म दिवस, अवतरण दिवस मनाई जा रही है और इस मौके पे बड़े उत्साह के साथ और सभी हमारे कार्यकर्ता गण मौजूद हैं, यहाँ पूरे प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद हैं उत्साह के साथ। और इनके साथ मैं वादा करना चाहता हूँ, जैसा कि आज सुबह ही मेरी बात बाबा साहब के पौत्र से यशवंतराव अम्बेडकर जी से हुई और उन्होंने आश्वासन भी मुझे दिया कि अगली बार मैं ज़रूर आप लोगों के बीच में रहूँगा। और मैं आप लोगों के बीच में ये वादा करता हूँ कि बाबा साहब के पौत्र यशवंतराव अम्बेडकर जी अगली बार बनारस की धरती पे हमारे पार्टी के नेतृत्व में आप सभी के बीच में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे मौजूद रहेंगे।
और जैसा कि बाबा साहब का हमेशा यही रहा है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उत्थान के लिए, हमारी भी पार्टी उसी पे कार्य करती है, गरीबी पे, मजदूरी पे और उत्थान पे। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, 132वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय समता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे हमारे पार्टी गण के पदाधिकारीगण प्लस गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग बाबा साहेब की जयंती बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। अब बाबा साहेब के जो सिद्धांत हैं उस पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। उनका कुछ सिद्धांत है, बाबा साहब ने कहा था लड़ने के लिए पढ़ना होगा, अब पढ़ने के लिए लड़ना होगा। आप लोगों ने तो ग्रंथ और महापुराण बहुत पढ़े, मेरे संविधान के पढ़ के देखो, सारा रास्ता उसी में लिखा हुआ है। हम दलितों के लिए, हम पिछड़ों के लिए, सब कुछ उन्होंने लिखे। इसके बाबा साहब के संविधान को पढ़िए, सारा चीज़ आपको मिलेगा कि जो हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकें, ऐसा बाबा साहब ने लिखा है। उन्हीं के सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग उन्हीं के सिद्धांतों पर चलेंगे।